बैक स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। टूडेज पीरियड इज इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में स्टोरी फ्रॉम बापूज लाइफ, द डस्ट ऑन द फेदर, ये हमारा दोनों लेसन हो चुका है। अभी थर्ड लेसन द सेफर्ड्स वॉच डॉग, तो डॉग और गडरिया उसके कहानी है इसमें। तो इसके हार्डवर्ड्स मैंने आपको दिए थे, आज हम ये लेसन को देखेंगे। तो पेज नंबर 20 पर चलते हैं, चलिए देखते हैं। पेज नंबर 20 ये आपका लेसन है, द सेफर्ड्स वॉच डॉग। तो इसकी स्टोरी हम बाद में पढ़ते हैं, पहले साइड वर्ड्स देख लेते हैं। तो देखिए साइड वर्ड्स में फ्लॉक, हियर अ ग्रुप ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड, फिर वॉच डॉग, अ डॉग ट्रेंड टू गार्ड पीपल और प्रॉपर्टी, पीपल को और प्रॉपर्टी को गार्ड करने के लिए जिसको ट्रेन किया जाता है ऐसा डॉग, वॉच डॉग। गार्ड वॉच ओवर, पूरा देख रेख करने वाला। अभी देखिए गार्ज, फीड ऑन ग्रास, जो घास खाते हैं तो गार्ज कहते हैं। पास्चर, लैंड कवर्ड विथ अ ग्रास, जमीन जो ग्रास से कवर्ड होती है। पेन, प्लेस वेयर शीप आर केप्ट, जहाँ पर शीप को, भेड़ों को रखा जाता है उसे पेन कहते हैं। टेकन अबैक, सरप्राइज्ड, टेकन अबैक मीन्स सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होना। अभी पिक्शनरी में देखिए पेन आपको दिखाया गया है कि जहाँ बहनों को कवर्ड किया है तो किस तरह होता है। पास्चर ये आपको ग्रास का खेत दिखाया गया है, ग्रास है जिसमें घास है ऐसी जमीन। अभी हम लेसन स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगेन लेसन। लेसन नंबर 3, द शेफर्ड्स वॉच डॉग। वंस देयर वॉज अ शेफर्ड हु हैड अ लार्ज फ्लॉक ऑफ शीप, उसके पास बड़ा सा भेड़ों का झुंड था। ही आल्सो हैड अ गुड एंड स्ट्रॉक वॉच डॉग, उसके पास एक अच्छा सा कुत्ता भी था, टू गार्ड देम, उनको संभालने के लिए, गार्ड करने के लिए। वेन द फ्लॉक गार्ड इन द पास्चर, खेतों में जब ग्रास के खेत में वो लोग गार्ड करते थे। द डॉग गार्डेड द शीप ऑल मॉर्निंग, पूरी सुबह वो उनको गार्ड करता था। देन इन द इवनिंग और इवनिंग द डॉग वुड गाइड देम बैक होम, जब घर जाते थे तब भी। नॉट अ शीप और अ लैम्प स्कैप्ड हिच वॉचफुल आइज, कहीं पर भी इधर उधर नहीं जा पाते थे, न लैम्प यानी उनके बच्चे और भेड़। एट नाइट वेन ऑल वेयर अस्लीप, सब लोग सोए थे, द डॉग वुड लाई डाउन आउटसाइड द पेन, वो ऐसे ही लेटा हुआ था कहाँ, पेन के बाहर। ही वुड वेक अप एट द साइडेस्ट साउंड ऑफ बार्क फायरली, तो उसने आगे देखी फायरली। नो वॉल्व द डॉग डेयर्ड इन कम एनी वेयर नियर द पेन, द शेफर्ड ऑन हिज फैमिली वेयर नेवर डिस्टर्ब इन द मिडल ऑफ द नाइट, तो डिस्टर्ब नहीं हुए वो, तो फियर्सली बार्क फियर्सली, जमकर भौंकने लगा। नो वॉल्फ एंड नो डॉग डेयर टू कम एनी वेयर नियर द पेन, कोई भी पास में नहीं आता। द शेफर्ड एंड हिज फैमिली इज नेवर डिस्टर्ब इन द मिडल ऑफ एट नाइट, कभी भी उनको परेशान नहीं होना पड़ता था। अभी देखिए द शेफर्ड वॉज वेरी प्लीज्ड, वो शेफर्ड बहुत अच्छा था विथ हिज डॉग, उसको बहुत सम्मान करता था। एट मिड डे वेन द शेफर्ड हैड हिज लंच, ही फेड द डॉग लविंगली एंड स्पोक टू इट सॉफ्टली, उससे अच्छे से बात करता था। द शीप वॉच दिस डेली एंड विस्पर्ड अबाउट द स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग, वो लोग सोचते थे ये इसको बहुत पसंद करता है और बहुत अच्छे से इससे बिहेवियर करता है। तो भेड़ शीप ये वॉच कर रही थी, फील कर रही थी। सो वन डे वेन द शेफर्ड्स वॉज शेयरिंग हिज लंच विथ हिज डॉग द शीप सेड, मास्टर यू सीम टू केयर ओनली फॉर द डॉग एंड नॉट अस एट ऑल, आप केवल डॉग को मानते हो, हमें लोगों को नहीं मानते। ही स्ट्रोक द डॉग जेंटली वाइट इट ले ऑफ हिज फीट, तो वॉट डू यू मीन, आई डू केयर फॉर ऑल ऑफ यू, आई सी दैट यू आर फेड वेल एवरी डे, यू हैव क्लीन ड्राई स्ट्रॉ टू स्लीप ऑन एंड यू आर केप्ट सेफ एंड साउंड, आपको सुरक्षित रखता हूँ। तो द शीप रिप्लाइड, शीप ने क्या रिप्लाई किया, वी गिव यू वूल मिल्क एंड लैम्स, हम तुम्हें भेड़ देते हैं, दूध देते हैं,
ऊन देते हैं. यू गिव अस नथिंग एट ऑल, आप हमें कुछ नहीं देते. वी फीड ऑन ग्रास दैट वी अवर सेल्फ हैव इट फाइंड, जहाँ से हम खोजते हैं वहाँ से हम ग्रास खाते हैं. वी आर ओबीडियंट एंड डू नॉट गिव यू एनी ट्रबल एट ऑल, हम आपको कोई वो नहीं देते. बट दिस डॉग गिव्स यू नथिंग, स्टिल यू फीड देम लविंगली एंड केयर ऑफ हिम अ लॉट, आप उसको बहुत ज़्यादा ही करते. द शेफर्ड वॉज टेकन अबैक, उसने सरप्राइज हुआ. बट द डॉग एट वंस सेड यू आर राइट माई फ्रेंड, बट वॉट यूड हैपन टू यू इफ आई एम नॉट देयर, तो मैं वहाँ पर नहीं होगा तो कैसे. आइदर सम थीफ विल स्टील यू और सम वॉल्फ विल मेक यू हिज मेल, आपको भेड़िया आपका भोजन बना लेंगे और कोई आपको चुरा के ले जाएगा यदि मैं नहीं होगा. यू वुड नॉट बी एबल टू गार्ज सो पीसफुली, आप शांति से नहीं खा पाओगे. हैड आई नॉट बीन वॉचिंग ओवर ऑल ऑफ यू, आप सबको नहीं देखूंगा. ऑन हियरिंग दिस वर्ड्स द शिप वर अशेम्ड ऑफ देयर बिहेवियर, तो डॉग ने बताया कि मैं क्या करता हूँ. बोलते हैं कि डॉग कुछ नहीं करता है, तो उसने फिर एक्सप्लेन किया. दे थैंक द डॉग फॉर वॉचिंग ओवर देम ऑल डे एंड नाइट, तो अभी देखिए कि किसी के काम को किसी का दिखता है नहीं दिखता है, लेकिन हर एक आदमी स्पेशल होता है और कुछ ना कुछ काम करता है. किसी को स्पेशल अटेंशन मिलता है इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं करता, कहीं ना कहीं से उसका काम रिस्पेक्टफुल होता है और हमें हर एक चीज़ को रिस्पेक्टफुल नज़र से ही देखना चाहिए. तो आपकी स्टोरी में क्या था कि काम अच्छा करो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो और एक दूसरे से फ्रेंडली रहो. फ्रेंडली रहो पहले तो. हाँ, आदमी को थोड़ा सा कभी लग जाता है कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, पर हमको सोचना चाहिए कि हमको अपना काम थोड़ा और अच्छा एक्टिव अटेंटिव बनाना चाहिए ताकि हमें भी अटेंशन मिले. और बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है, अपनी मेहनत करनी चाहिए और सही से रहना चाहिए. अब आपको साइड वर्ड राइट और लर्न करने हैं आज इस लेसन के. हार्ड वर्ड हमने पहले लिख लिए, एक्सरसाइज हम कल से देखेंगे. आज बस इतना ही. थैंक यू फॉर टुडे.